एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। ऐश्वर्या ने कई हिट फिल्मों में काम किया। शादी के बाद ऐश्वर्या कम ही फिल्मों में दिखाई देती हैं, क्योंकि वो अपना ज्यादा वक्त बेटी आराध्या और फैमिली को देती हैं। आज हम आपसे ऐश्वर्या की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी बात बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। दरअसल जब ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हुई तो एक शख्स ऐसा भी था जो इस बात को जानकर डिप्रेशन में चला गया। जी हाँ, डायरेक्टर मधुर भंडारकर ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर डिप्रेशन में चले गए थे। दरअसल मधुर ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अपना ड्रीम प्रोजेक्ट साइन किया था। दोनों साथ में फिल्म बनाने जा रहे थे। ऐश ने फिल्म हीरोइन साइन कर दी थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत जरूरी बात डायरेक्टर को नहीं बताई। उस दौरान ऐश प्रेग्नेंट थी। इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या मधुर भंडारकर की पहली पसंद थी। काफी समय तक ऐश्वर्या ने डायरेक्टर से ये बात छिपा कर रखी। मधुर ने इस फिल्म को बनाने से पहले 1.5 साल तक रिसर्च किया था। मधुर के लिए ये कोई छोटी फिल्म नहीं थी। इसके लिए उन्होंने 40 लोकेशन फाइनल की थी। कई सारी एक्ट्रेस और एक्टर को साइन भी किया। लेकिन जब उन्हें ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की बात पता चली तो वो काफी परेशान हो गए और उन्होंने ऐश को फिल्म से निकाल दिया। एक इंटरव्यू में मधुर ने कहा, फिल्म की 8 दिन की शूटिंग हो चुकी थी, तभी मेरी एसोसिएट डायरेक्टर एक एक्ट्रेस के साथ रिहर्सल कर रही थी, वो स्लिप हो गई और उसे काफी चोट आई। आज जब मैं ऐश को देखता हूँ तो मुझे काफी दुख होता है। मुझे लगता है कि अगर मेरे एसोसिएट की जगह ऐश गिर जाती तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। फिल्म में कई चीजें ऐसी थी जो एक प्रेग्नेंट महिला को नुकसान पहुँचा सकती थी। हम ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की खबर एक न्यूज चैनल से मिली। तब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। साथ में उन्होंने कहा, हम कैमरे पर 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट एक्ट्रेस को नहीं दिखा सकते थे। हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और इस वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं 8 दिन तक ऑफिस नहीं गया। मुझे लगा कि ये सच दुनिया को बता देना चाहिए, इसीलिए बता दिया। बता दें कि ऐश्वर्या एक बेटी की माँ है। वो ज्यादातर बेटी के साथ ही स्पॉट होती हैं।